नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रजनीश किरण की रिपोर्ट नालंदा से। नालंदा जिले के बिहारशरीफ सदर अस्पताल में आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि आज बिहारशरीफ में एक अज्ञात रिक्शा चालक की मौत सड़क पर हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल बिहारशरीफ लाकर छोड़ दिया, जहां चिकित्सक ने जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उसे पोस्टमार्टम रूम पहुंचाने के बजाय इमरजेंसी वार्ड के गेट पर ही करीब 2 घंटे से ऊपर छोड़ दिया गया। इधर मीडिया की पहल पर बिहार थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने अस्पताल कर्मियों को डांट फटकार लगाई, जिसके बाद उसे वहां से पोस्टमार्टम रूम भेजा गया। सवाल यह उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इतनी क्यों लापरवाही बरत रही है? मृत घोषित करने के बाद उसे क्यों नहीं पहुंचा दिया गया? क्या मृतक के परिजन नहीं है तो शायद इसी तरह से घंटों सड़क पर पड़े रहे हैं।